हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। घर के सिर्फ चार इंग्रेडिएंट से आज हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार परफेक्ट कलाकंद बनाएंगे, जो देखने में बिल्कुल बाजार जैसा और खाने में बाजार से भी बढ़िया स्वाद और फ्लेवर रहेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कलाकंद हमारे ऊपर से एकदम परफेक्ट बना है और अंदर से ये बिल्कुल ही जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पैन। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखी हूँ और आप देख सकते हैं गैस हमारा भी बंद है। और अब हम पैन में एक कप दूध डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध ली हूँ। दूध को यहाँ मैंने दूध को अच्छे से बॉईल करके ठंडा कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप या कटोरी मिल्क पाउडर। यहाँ मैंने होल मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। आप इसकी जगह 2 कप दूध लेकर के उसे अच्छे से खौला करके 1 कप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने दूध को पैन में स्पैचुला से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स करने से दूध हमारा गाढ़ा भी बन जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दूध में मिल्क पाउडर को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। और इसके छोटे छोटे लम्ब्स जो अभी नहीं मिले हैं, हम गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम स्पैचुला से इस तरीके से चलाते हुए इसे मिलाते रहेंगे, जिससे हाई फ्लेम पे दूध हमारा जल्दी गर्म होगा और इसके सारे लम्ब्स भी जल्दी जल्दी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे दूध को चलाते हुए 1 मिनट हो गया है। दूध हमारा अच्छे से गर्म भी हो गया है और मिल्क पाउडर के सारे लम्ब्स भी ख़त्म हो गए हैं। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इस तरीके से दूध को पकाएंगे, जिससे दूध हमारा और जल्दी थिक और गाढ़ा हो जाएगा। दूध हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और इस टाइम पे हम इसमें कलाकंद बनाने के लिए छेना डालेंगे। यहाँ मैंने घर का बना फ्रेश छेने का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह बाजार का रेडीमेड पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। और छेना बनाने के लिए आपको सिर्फ दूध को बॉईल करना और उसमें 2 से 3 ड्रॉप नींबू का रस डाल दे या विनेगर डाल दे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर ले। हाई फ्लेम पे दूध आपका फट जाएगा और आप उसे अच्छे से छान ले और 2 से 3 बार धो ले। आपका छेना घर का बिल्कुल फ्रेश बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने छेना डाल करके इसे हल्के हाथों से चलाते हुए पैन के साइड में पके हुए सारे दूध को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, नहीं तो जैसे पैन में दूध हमारा और ज़्यादा पकते जाएगा, पैन के साइड में वो और ज़्यादा इस तरीके से थिक लेयर में जम जाता है। तो इस तरीके से आप साइड से स्पैचुला चलाते हुए दूध को इकट्ठा करें और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते हुए 2 मिनट हो गया है। और अब हम इसमें 2 से 3 कुटी हुई इलायची डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ये बहुत अच्छी तरीके से पकेगा और तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और आप देख सकते हैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक भी रहे हैं। इस कलाकंद या मिठाई बनाने के लिए आप मोटे तले वाले पैन का यूज़ करें, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट और मार्केट स्टाइल बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे कंटिन्यू इस तरीके से चला रही हूँ, जिससे इसके दाने बिल्कुल ही बारीक बनेंगे। और देखिए, जैसे जैसे ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है और ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। हमें इसे अच्छे से पकाना है, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसे जब आप खाएंगे तो मुंह में रखते ही ये मेल्ट हो जाएगा। हलवाई भी इस मिठाई को बनाते समय मीडियम फ्लेम या मध्यम आंच पे ही पकाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। और आप देख सकते हैं इसका काफ़ी पानी सूख गया है और हमारा कलाकंद काफ़ी अच्छा थिक हो गया है। हमें इस टाइम पे इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें 1/4 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कटोरी चीनी डाल सकते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फिर से चीनी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी के दाने जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे चीनी डालने से
कलाकंद हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और अंदर से बिल्कुल जूसी बन के तैयार होता है। अगर आप पहले डाल देंगे तो वो थोड़ा सा रबड़ जैसा हो जाता है। इस तरीके से आप एक बार कलाकंद जरूर बना के देखें, आपको सच में इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और आप देख सकते हैं चीनी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, और देखिए चीनी पानी भी छोड़ रहा है। इस टाइम पे आप चाहे तो 1 से 2 सेकेंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं, या आप इसमें बिना घी का भी इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होगा। और ये देखिए घी डाल करके यहाँ मैंने स्पैचुला से इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है, और घी हमारा अच्छे से कलाकंद में मिक्स हो गया है। इस टाइम पे हम इसे हाई फ्लेम पे 20 से 25 सेकेंड के लिए अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो जल्दी जल जाएगा और कलाकंद हमारे जल्दी बन के तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं 20 से 30 सेकेंड हो गए हैं, कलाकंद को यहाँ मैंने अच्छे से पका लिया है और इसका पानी भी काफ़ी अच्छा तरीके से सूख गया है। और इस टाइम पे हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। हम इसमें 1 से 2 ड्रॉप ही केवड़ा एसेंस या वाटर ऐड करें, जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसा तैयार होगा। अगर आप अपने घर पे आए मेहमान को इस तरीके से बना के खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे घर पे बनाया है। और केवड़ा वाटर डालकर हम इसे फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। आप केवड़ा वाटर की जगह 1 से 2 ड्रॉप रोज वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और आप देख सकते हैं चीनी का पानी भी बहुत अच्छे तरीके से सूख गया है और सारा मॉइस्चर सूख चुका है। और अब हम इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल शेप का टिफ़िन ली हूँ और इस पे बटर पेपर लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। और अब हम इस पे कलाकंद का मिक्सचर या बैटर डालेंगे। यहाँ मैंने गरम गरम बैटर का यूज़ किया है। आप इसे चाहे तो थाली या प्लेट में भी निकाल कर कलाकंद के शेप में इसे सेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने पैन में से इसे अच्छे से निकाल करके टिफ़िन में डाल दी हूँ। और अब हम गरम गरम बैटर को स्पैचुला से अच्छे से फैला लेंगे और इसे कलाकंद की शेप में अच्छे से सेट कर लेंगे। इस टाइम पे हम इसे स्पैचुला से अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए इसे अच्छा सा रेक्टेंगल शेप में अच्छे से सेट होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से दबाते हुए सेट कर ली हूँ। और आप चाहे तो स्पैचुला की जगह इसे चम्मच से भी अच्छे से दबाते हुए सेट कर लें। और अब हम इसे मार्केट स्टाइल बनाने के लिए इस पे कटे हुए आलमंड डालेंगे और कटे हुए काजू डालेंगे। आप अगर पिस्ता पसंद करते हैं तो आप इस पे बारीक कटे हुआ पिस्ता और अपने फ्लेवर का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे भी अच्छे से स्पैचुला से ड्राई फ्रूट को दबा लेंगे, जिससे कलाकंद के साथ हमारा ड्राई फ्रूट अच्छे से चिपक जाएगा। और अब हम इसे फ्रिज में आधा घंटा के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। यहाँ मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख रही हूँ, हम इसे फ्रीजर में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आधा घंटा हो गया है और मिठाई हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम टिफ़िन में से बटर पेपर निकालेंगे और एक थाली पे हम टिफ़िन को रखेंगे और इसका बटर पेपर निकालेंगे। और आप देख सकते हैं मिठाई हमारा अच्छे से सेट हो गया है और बटर पेपर भी ये इजीली निकल रहा है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद का कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसे मार्केट स्टाइल बनाने के लिए बिल्कुल मार्केट जैसा बर्फी का शेप दे रही हूँ। आप इसे जैसा आपको पसंद है आप उस शेप में इसे कट कर लें। और इस तरीके से आप इस रेसिपी को घर पे बनाएं। सभी को ये रेसिपी खाने में बहुत ही पसंद आएगा। और त्यौहार स्टार्ट होने वाले हैं, काफ़ी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो बाज़ार की जगह आप घर का बनाया हुआ फ्रेश मिठाई इस तरीके से बनाएं। और आप देख सकते हैं कलाकंद हमारा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुआ है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कलाकंद के पीस बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो इस रेसिपी को आप घर पे इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और
मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में। तब तक अपना फीडबैक और एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।